मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 जून 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के परिणाम लगभग साफ हो गए हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। हालांकि भाजपा को जितनी सीटों की उम्मीद थी उससे काफी कम मिली है, लेकिन गठबंधन बहुमत के आंकड़े के पार पहुँच चुका है। वैसे आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक भाजपा को 240, कांग्रेस को 99, सपा को 37 और टीएमसी को 29, डीएमके को 22 सीटें मिली है। कुल मिलाकर एनडीए को 292 सीटें मिली है और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली है। जीत के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बीजेपी ही है। ऐसे में तीसरी बार मोदी सरकार बनना लगभग तय है। वहीं देखिए, इन नतीजों से कांग्रेस भी काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह देश में कांग्रेस का सफाया होता जा रहा था उस पर ब्रेक लगा है। इन नतीजों ने कांग्रेस को संजीवनी दी है। भले ही कांग्रेस और गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो कांग्रेस को सीटें मिली है उसमें इजाफा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, देश मोदी साहब को नहीं चाहता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने के बीच पीएम मोदी दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने भारत माता की जय और जय जगन्नाथ से बात शुरू की। उन्होंने कहा, इस आशीर्वाद के लिए मैं समस्त देशवासियों का ऋणी रहूंगा। पीएम बोले, आज बड़ा मंगल है, इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। पीएम मोदी बोले, आज की विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है, ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। पीएम मोदी बोले, अब हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे और कहां पर कमियां रह गई उसका भी जल्द पता लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान भाजपा को भी बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का हैट्रिक लगाने का सपना टूट गया है। कांग्रेस ने 10 साल बाद जबरदस्त वापसी की है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के परिणामों की बात करें तो भाजपा के खाते में महज 14 सीट आई है। वहीं कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में बीजेपी का यह सबसे बुरा प्रदर्शन है। भाजपा तीसरी बार पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन यह एक बड़ा झटका लगा है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बार के लोकसभा चुनाव नतीजों ने असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। एक तरफ तो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। आपको बता दूं, इस सीट पर कांग्रेस ने गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया था, तो अशोक गहलोत के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति बन गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और बेहद खास खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल भरतपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की है। बड़ी बात यह है, संजना जाटव ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के गृह जिले में सेंधमारी करते हुए इतिहास रच दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। चुनाव के परिणामों के बाद अब राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी है। भाजपा के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट से उन्होंने इस्तीफे के संकेत दिए हैं। मीणा ने लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दरअसल आपको बता दो, इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि पीएम मोदी ने मुझे कुछ सीटें जिताने के लिए जिम्मेदारी दी है, अगर इनमें से एक भी सीट हारी तो वह इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी ने कई सीटें गवाई है, इसी वजह से अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के संकेत दे दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती की मार झेल रहे बिजली उपभोक्ताओं को अब दोहरा झटका लग सकता है। दरअसल उपभोक्ताओं को जून महीने में बिजली बिल में 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज चुकाना होगा। आपको याद होगा, इससे पहले पिछले साल 52 पैसे प्रति यूनिट वसूला गया था, लेकिन इस साल फ्यूल सरचार्ज में 2 पैसे की बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया है। यानी अब 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। डिस्कॉम प्रशासन ने जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम के लिए यह आदेश निकाले गए हैं। आदेश के अनुसार वर्ष 2023 और 24 की चारों तिमाही के लिए यह सरचार्ज तय किया गया है। हालांकि इसी बीच राहत भरी खबर यह भी है, डिस्कॉम प्रशासन के
जारी आदेश के अनुसार कृषि उपभोक्ता और ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में महंगाई राहत शिविर में बिजली बिलों में छूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें फ्यूल सरचार्ज से मुक्त रखा गया है। ऐसे में सब्सिडी लेने वाले और जो घरेलू उपभोक्ता जिनको 200 यूनिट या 100 यूनिट बिजली मुक्त मिलती है यह उपभोक्ता इस सरचार्ज से मुक्त रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और राहत वाली खबर। जयपुर से अबू धाबी के लिए 16 जून से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। एतिहाद एवरेज की फ्लाइट जयपुर से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे अबू धाबी पहुंचेगी। इसी प्रकार अबू धाबी से यह फ्लाइट प्रतिदिन दोपहर 3:05 पर प्रस्थान कर रात को 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। बड़ी खबर यह है जयपुर से अबू धाबी के लिए 16 जून से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं मौसम पर एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि एक तरफ राजस्थान समेत पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर सरगर्मियां तेज है, उधर मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक और नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है जिसकी वजह से राजस्थान में 6 से लेकर 8 जून के दौरान इस नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इन 4 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चलने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। वैसे मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस नए सिस्टम का असर उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिक देखने को मिलेगा। वहीं देखिए किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है, मानसून इस बार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मानसून की एंट्री अब जल्द ही महाराष्ट्र में होने वाली है। वैसे राजस्थान में मानसून 25 जून के आसपास पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर, चुनावी नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं आने की वजह से शेयर बाजार में मंगलवार को ऐसी सुनामी देखने को मिली कि सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। आपको बता दूं शेयर बाजार में कोरोना के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट आई है। हालांकि कुछ लोग शेयर बाजार गिरने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है ऐसे समय में धीरे धीरे करके लंबी अवधि के लिए आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव के नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं आने से शेयर बाजार धड़ाम हो गया है और निवेशकों के पैसे डूब गए हैं। माना जा रहा है शेयर बाजार आज भी टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं, आज का दिन बेहद खास होगा क्योंकि उधर इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की कोशिश में जुटा है क्योंकि इंडिया को 200 सीटों के आसपास बढ़त मिल चुकी है और बहुमत का आंकड़ा 272 है। अब अगर इंडिया गठबंधन को तृणमूल के 31 सांसदों का और साथ मिल जाए और नीतीश के 15 सांसदों का साथ मिले तो फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की भी कोशिश कर सकती है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि हालांकि कहा तो नहीं है लेकिन इशारा किया है कि नीतीश कुमार हमारे साथ है। लेकिन फिर भी आज राहुल गांधी समेत सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक है, इसमें फैसला होगा कि आगे क्या करना है। तो आज भी देश की राजनीति में बड़ा खेल होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।